इस वक्त हम अजमेरी गेट काउंसलर राकेश कुमार जी के पास मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिन ब दिन हिंदुस्तान की हालत खराब होती जा रही है, अर्थव्यवस्था होती है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही, हर तरह से आप दे सकते हैं पूरे देश में हाहाकार मचा, और ऐसे में किसानों का बिल भी आ गया, उस सिलसिले में किसान भी सड़कों पर, जबकि उनका ये कहना है गवर्नमेंट का कि ये किसानों के फायदे में, अगर किसानों के फायदे में तो गवर्नमेंट सड़कों पर, किसान सड़कों पर क्यों है। बहरहाल अभी हाथरस का मामला है कि सामने आया, उस बच्ची को 14 दिन बाद जो मर गई, और उसके लवाइटीन को, उसके घर वालों को उसकी लाश भी नहीं गई और रात के अंधेरे में उसको जला दिया गया। इस सिलसिले में हम इस बच्ची जो जलाई गई है जिसके घर वालों को भी नहीं दिया, उसके बाद बलरामपुर की एक बच्ची का रेप का केस वाकई आया, और आज भी और भी कई केस सामने आए, लेकिन इस सिलसिले में आखिर क्या हो रहा हम जानना चाहते हैं। राकेश कुमार जी, इस सिलसिले में आप क्या कर रहे हैं और आप किसी से मिल रहे हैं, यहाँ पर कोई धरना प्रदर्शन वगैरह भी हो रहा है या कर रहे हैं आप? देखिए, रोजाना ही धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, श्रद्धांजलियाँ सभाएं चल रही हैं, कैंडल मार्च चल रहे हैं, अभी भी कैंडल मार्च शुरू होने वाला है, पूरे देश में चल रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी के राज के अंदर जो अच्छे दिन का वादा करके आए थे, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों के बुरे दिन चल रहे हैं, किसानों के बुरे दिन चल रहे हैं, महिलाओं के बुरे दिन चल रहे हैं, छात्रों के बुरे दिन चल रहे हैं, लॉकडाउन कोरोना वायरस की ऊपर से मार पड़ रही है, लॉकडाउन है, तमाम परेशानियों के अंदर रहते हुए ये जो घटना हुई है, हमारे जो हाथरस की जो घटना है जो मनीषा वाल्मीकि की लड़की जो लड़की की हत्या हुई है, जिसकी निर्मम हत्या हुई है, जिसका बलात्कार हुआ है, इसके अलावा और बहुत सारी घटनाएँ उसके बाद हो चुकी हैं, तो ये बहुत एक चिंता का विषय है कि आज के समाज में जहाँ आदमी चांद पर पहुँचा हुआ है, और आज लोग जो है जातिवाद में ग्रसित हैं और जाति के नाम पे झगड़े हैं, धर्म के नाम के झगड़े हैं, हजारों साल से जो मानसिकता चली आ रही है, छोटी जाति, बड़ी जाति, पिछड़ी जाति, राजपूत, ब्राह्मण, तो ये सारे जो फिरके हैं, जो मानसिकताएं हैं, वो आज भी हमारे देश में विद्यमान है, जबकि देश के अंदर कानून का राज है, संविधान का राज है, सब बराबर हैं, सारे धर्म बराबर हैं, सभी जातियां बराबर हैं, लेकिन आज जो माहौल है पूरे देश के अंदर, ये बहुत चिंताजनक माहौल है। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए, राजस्थान के अंदर कहते हैं हजारों घटनाएं हो चुकी हैं, रेप की घटनाएं हो चुकी हैं, उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं, जो घटनाएँ सामने आती हैं वो बहुत कम है, बहुत बहुत दुख का विषय है। मैं यही कहना चाहता हूँ, मोदी जी शर्म आनी चाहिए, और जो योगी जी बैठे हैं, जो साधु के वेश में बैठे हैं, उनको तो कम से कम महिलाओं का, छोटी छोटी बच्चियों का, उनका तो ध्यान रखना चाहिए। ये हो क्या रहा है देश के अंदर, उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज हो गया है, जो एक बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, ये कब रुकेंगी, ये कब वहाँ का वातावरण शांत होगा। वैसे ही उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर तो जातीय दंगे, धर्म के नाम के दंगे और तमाम तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, मतलब ऐसा माहौल पूरे देश के अंदर, फिरका परस्ती वाला माहौल तो है ही देश के अंदर, एक पूरे देश के अंदर फिरका परस्ती है, और जो फिरका परस्ती की सरकार है इसलिए सारा कुछ हो रहा है, वरना जो सेकुलर लोग हैं, अगर उन लोगों की सरकार होती तो ये शब्द नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आज इस मौके पर कि ये आंदोलन थमने वाला नहीं है, लोग बहुत पीड़ित हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, लोग चाहते हैं इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बने, सख्त से सख्त सजा हो, कानून का डर होना चाहिए। बिल्कुल, देश के अंदर का कानून का डर नहीं होगा तो ये घटनाएं ऐसे ही होती रहेंगी। ये तो बहुत कम घटनाएँ मैंने कहा कि जो सामने आ पाती हैं, वरना तो लोग बताते ही नहीं हैं, बाहर बहुत बुरा हाल है, गरीबी है, मैंने कहा गरीबी है, पूंजीवाद है, सभी तरह की समस्याएं, कहीं राजपूतवाद है, कहीं ब्राह्मणवाद है, ये सारी समस्याओं के बीच में जो छोटी जातियां हैं उनको सफ़र करना होता है, पर अब बहुत हो चुका है, मैंने कहा बहुत हो चुका है, या तो ये लोग समझ जाएं, कि ये अगर नहीं समझेंगे तो आने वाला समय इनके लिए बड़ा गंभीर होगा। जो अपर क्लास के लोग हैं, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, इनको ये समझ लेना चाहिए कि अब पानी सर से ऊपर हो गया है, ऐसा ना हो कि इस देश के अंदर विद्रोह हो जाए, जात के नाम का विद्रोह हो जाए,
लोग धर्म के नाम का विद्रोह हो जाए, ऐसा ना हो कि लोग इस धर्म को ही छोड़ दें, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसी जातीय उत्पीड़न से परेशान होकर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। उन्होंने बहुत धर्म की दीक्षा ली थी, इसीलिए ली थी कि इस धर्म के अंदर छोटा बड़ा है, छुआछात है, जिस धर्म में छोटा बड़ा छुआछात जातिवाद होता है वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो एक समतामूलक समाज होता है, उसमें सभी लोग बराबर होते हैं, लेकिन हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर वर्ण व्यवस्था है, जिसके अंदर जाति व्यवस्था है, उसके बाद भी हम लोग सब कुछ जो निचली जातियाँ हैं फिर भी हम बर्दाश्त करते हैं, फिर भी सब कुछ सहती हैं, फिर भी अपने आप को हिंदू कहती हैं, जबकि वो हिंदू है नहीं। अगर वो हिंदू होते तो उनको छोटी जातियों में ना बांटा जाता, लेकिन क्योंकि संख्या बल का सवाल है, अगर वो दलित समाज को अलग हटाएंगे हिंदू समाज से तो बहुत माइनॉरिटी में आ जाएंगे, 15% लोग हैं, 85% बहुजन समाज है, तो ये डर उनको भी है, तो आने वाला समय इनके लिए बहुत चुनौतियों भरा है, अगर ये लोग नहीं समझे तो आने वाला समय इनको जवाब देगा। देखिए, ये थे हमारे साथ राकेश कुमार जी, जिन्होंने कितनी बातों से इनकी पीड़ा जाहिर हो रही है कि देश में जो बांट हो रहा है, समाज में बटा हुआ देश, कारोबार की कोई बात नहीं हो रही, कोरोना वायरस चल रहा है, हर किसी को अपनी हाहाकार मची है, अब ये बहुत जो है कहीं ऐसा ना हो कि इस देश में जो विद्रोह शुरू हो जाए, हाहाकार मच जाए, लूटमार बच जाए, इनको समझना चाहिए, कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि आदमी को जो डर होना चाहिए, जिस आदमी के दिल में जिस गुनाह करने के लिए आदमी का डर निकल जाता है फिर उसके लिए गुनाह कोई गुनाह माने नहीं रखता, बल्कि वो उसको शौक के इस पर चलता है, इस वजह से सख्त से सख्त कानून बनाया जाए ताकि इस ऐसा करने से पहले आदमी 10 दफा सोचे। कैमरे पर्सन मेहमद के साथ मोहम्मद रानी। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।